करके पहला कौन सा है? मोहब्बत। दूसरा? खुशी। तीसरा? शादी। चौथा? सफर। पांचवा? मेहरबानी। छठा? नेकी। सातवा? ईमानदारी। आठवा? अली। नौवा? प्रेमदारी। मगर ले जी, अभी नौ फल जो इन्होंने रूह के नौ फलों की आयत को याद किया है। अभी पहला जो फल है कौन सा है? मोहब्बत। तो पहला स्किट लेडीज फर्स्ट है, तो पहला स्किट गर्ल्स करके दिखाएंगी मोहब्बत के ऊपर। बॉयज थोड़ा इधर आ जाओ जल्दी से। हरी अब आपका टाइम शुरू हो गया है, देखते हैं स्किट क्या मोहब्बत के ऊपर ये तैयार करते हैं। इसके बाद अगला स्किट तैयार होगा। देखें जी, देखें देखें देखें, डिस्कस हो रही है। शाबाश, आपस में डिस्कस हो रही है। कलो साइड पे कर लो। चले चले शाबाश। स्किट क्या हो रहा है? स्किट हो रहा है। क्या स्किट? अब हुरा भाग के आएगी और किससे उसको देख रहा है और उससे कह रहा है हेल्प 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 हेल्प। तो दे आ भाई। चले जी देखते हैं क्या है जी। चले जी चलो। अच्छा जी ये गिर गई। अच्छा अब दोबारा करेगी, नेचुरली दिखाएंगे। उरब उरब को आपने कहना नहीं गिरो, दोबारा आएगी। नहीं जी नहीं नहीं, उरब पहले अच्छे से गिरी नहीं, आपने खुद कहा उरब गिरना था। चले चले ठीक है जी। उरब ठीक होगी? चले जी ये मोहब्बत का पैगाम था। चले जी ये बच्चे टैबलो करने लगे हैं मोहब्बत के ऊपर। टैबलो चल रहा है जी। क्या हो गया? क्या हो गया? पानी पिला दो, पानी पिला दो। उठ गया, उठ गया, पानी पी लिया, सही हो गया, सही हो गया जी। गर्ल्स खुशी में क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसकी? चलें जी। क्या है जी? क्या है जी सलामती? क्या है ये? क्या हो रहा है? मसीह में आपकी सलामती। चले वेरी गुड, तालियां बजा लो। खुदा की सलामती आपके साथ हो। चौथा फल कौन सा है? सबर। तो सबर के ऊपर क्या होना चाहिए? ईद। ईद के सबूर?
चले जी, पांचवा फल कौन सा है? मेहरबानी। मेहरबानी के ऊपर आप क्या कहेंगे? हम करेंगे खुदा की मेहरबानी है कि उसने हमें अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, अच्छी जिंदगी दी है, अच्छे कपड़े दिए हैं। और क्या मेहरबानी है खुदा की? एरू, एरू को मैं कहूंगी, एरू तुम्हारा दुपट्टा बड़ा अच्छा है। खुदा की मेहरबानी, तेरा चश्मा आपको बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, अभी बॉयज की तरफ आते हैं, एरिक भी बैठे हैं, साहिल, नदर, मेहरबानी के ऊपर आप क्या बताएंगे? खुदा ने हमें अच्छे मम्मा पापा दिए, बहन भी दी है, हमें अच्छे कपड़े दिए, अच्छे जूते दिए, अच्छे पेरेंट्स दिए। नदर को क्या मिला हुआ है? अच्छे कपड़े, हमारे हमें कपड़े दिए अच्छे। अच्छा, बस कपड़े? साहिल, कपड़े के अलावा कुछ? आपको आइसक्रीम। खुदा मेहरबान होता है जिसको आइसक्रीम मिलती है। ए जी, आप बता रहे हैं अभी छठा फल कौन सा है? नेकी। गर्ल्स कौन सा है? नेकी। तो नेकी के ऊपर क्या प्रेजेंटेशन है? बताएं जरा सातवां फल कौन सा है? ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी से काम करे, सच बोले और चोरी ना करे, झूठ ना बोले। जी बॉयज, ईमानदारी का मतलब है हम किसी के घर पे ना तापे, ना उनके घर पे जाके चोरी करे। वेरी गुड, ना तापे और उनके घर से कोई ऐसी वैसे गालियां ना करे, वो ऐसी वैसी गंदी बात करे, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले, उनके घर जाके किसी के पैसे ना चुराए उधर से, और उनके घर पे जाके किसी के साथ लड़ाई ना करे। वेरी गुड जी। एरिक, आप बताओ। मर्डर ना करें। वेरी गुड, क्लैपिंग। फल कौन सा है रूका? हलीम। हलीम की हम्बल, लाइका हम्बल। तो हम्बल कौन है? आप सब में हम्बल कौन है? एरिक को फोकस करें, जरा ज़ूम करें एरिक पे। ये एरिक है जी, हम्बल है। ठीक है जी, इधर से बताएं, एरिक हम्बल है ना? ये बातें करता है ना, चुप बैठता है ना, हमसे ये नदर को कहता है ना चुप बैठते हैं, ना बातें करता है, ना गीत गाता है, ना इते गाता है, ना इते गाता है, ना सुनाता है। लेकिन एरिक को याद रहती है आयते, नहीं तो नहीं की तो सुन लो क्या था रूके फल वाला, कौन सा था? गाता पर उसकी बात बाहर नहीं आती, आएगी अभी बात सुन ले ना, एरिक को याद है। वैसे उसकी बात सुनाओ, गाना गा। अगर रूका खुशी सलामती, एरिक ने गाना है, आपने नहीं गाना, उसकी बात आएगी। हाँ जी एरिक, अगर रूका फल मोहब्बत खुशी सलामती सब। रू का नौवा फल कौन सा है? प्रेजगारी। प्रेजगारी, प्रेजगारी क्या है? ना हमें ड्रिंक करनी चाहिए, ना हमें स्मोकिंग करनी चाहिए, ना हमें गंदी चीज खानी चाहिए, ना हमें स्पॉटी जहाज खानी चाहिए, ना हमें वेप पीना चाहिए। अच्छा, शाबाश। ना हमें पान खाना चाहिए। बाय बाय, अब मुझसे पूछो। जी साहिल, प्रेजगारी क्या? हमें चीजें नहीं खानी चाहिए, हमें खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, कलम खराब होएगा, क्या हमें पापा नहीं खाना।